एक लेडी अवार्ड्स की रानी सी, सांवली सी, सुहानी सी, 24 घंटे यूं अंगड़ाई लिया करती है। और ये फेमस ब्लैक लेडी है, फिल्म फेयर की ब्लैक लेडी। और आज 65 साल बाद जब फिल्म फेयर अवार्ड्स मुंबई में ना होकर दुनिया के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक असम में होने जा रहा है, तो यही ब्लैक लेडी मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही है। सेनोरिटा, तुम्हारे रेशमी और मखमली हाथ इतने खुरदरे और बालों वाले कैसे हो? हाय सर। अरे यार, तुम यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी आ गए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए? आई डोंट लाइक यू। क्यों सर? क्योंकि यार मेरी फिल्म जोश जो है 20 साल पहले ही डिक्लेयर कर दी गई, और आज भी तुम सबसे पूछते फिर हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, यार पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। हिट से हिट रहने देना भाई। नहीं सर, वो तो आज भी हिट है। मैं तो बस चाहता हूँ कि 20 साल बाद भी जब लोग आपकी फिल्म जोश को याद करें तो उनके मुंह से निकले हाय सर, हाय 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 हाय। चमचागिरी में तो बहुत हाई जा रहा है। मुझे पहले बताओ तुम यहाँ गुवाहाटी एक्सप्रेस में क्यों आए? सर मैं तो बस अपनी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना चाहता हूँ सर। हाँ तो करो करो करो, जल्दी करो। सर आपने जितने फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते हैं सर, उतने तो बाल नहीं होंगे अनिल कपूर साहब के कंधों पर। नहीं है, मैंने गिने। विशाल ददलानी के हाथों पर, नेवा अक्षय कुमार की कमर पर, मैं हो ही नहीं सकते आमिर खान साहब के। मैं इससे नीचे मत जा, ओके? बट व्हाट इज द पॉइंट? सर द पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, मैं किसी भी तरह किसी भी हालत में आपके साथ आसाम जाना था। क्यों? बिकॉज़ आसाम इज ऑसम सर। I know, Assam is awesome, ना? और अगर तुम्हें आसाम जाने का इतना दिल है ना, तो मैं तुम्हें वहाँ पे चुटकियों में पहुँचा दूँगा। चुटकियों में? चुटकियों में थोड़ा ज़्यादा हो गया। ए, एक चुटकी की कीमत तुम क्या समझो विकी बाबू? करेक्ट। ये चुटकी तुम्हें कहीं भी पहुँचा सकती है। ये है असम के टी गार्डन। इतनी शिद्दत से मैंने इन टी गार्डन में आने की कोशिश की, हर जर्रे ने मुझे SMT पिलाने की साजिश की है। थैंक यू, थैंक यू। How's the line? चाय सर। I mean hi sir. सर मैं भी एक बार कोशिश करूं? या प्लीज गो अहेड। सर मुझे लगता है कि हर इंडियन के पास ये चार चीजें उसकी जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। ओके। यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी एंड SMT। कैसी लगी सर मेरी लाइन? ओह यू मीन टी टी टी। इतनी गंदी लाइनों से तू भाई हो जा यहां से कल। टी सर आपकी हर लाइन कल्ट, मेरी एक लाइन भी कल्टी। दिस इज नॉट फेयर। इट्स नॉट जस्ट फेयर, इट्स फिल्म फेयर। समझे मेरे फ्रेंड? समझ गया फ्रेंड। इट्स टाइम फॉर मजूली आइलैंड। ये देखो, ये है माजुली आइलैंड। वाओ 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 वाओ। सर इतने वाव मौसम में मुझे ना दही मछली खाने का बहुत मन कर रहा है सर। है ना? मुझे भी। सर यहाँ मछली तो रिवर में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स। पर ये दही कहाँ से अरेंज करें सर? अरे एक आइडिया है, तुम्हारी वो पिक्चर है ना रमन राघव, हाँ वो देख लो, दिमाग का दही हो जाएगा, फिर उसी से हम दही मछली बनाकर खा लेंगे। नॉट फेयर सर। इट्स नॉट फेयर, इट्स फिल्म फेयर। और लो मेरे साथ आने का पंगा, लेट्स हेड टुवर्ड्स काजीरंगा। ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क। इतनी शिद्दत से मैंने काजीरंगा में आने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे गेंडुओं से मिलाने की साजिश की। सर बस हो गया, अब बस हो गया, इनफ। आप एक ही डायलॉग बार-बार बोले जा रहे हो, बार-बार बोले जा रहे हो। इट्स नॉट डन। अरे जब तू बोल रहा था हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, बोल बोल के तूने तीन घर खरीद ले, मैंने कुछ कहा? सॉरी, सेम लाइन थी ना, हाउस द जोश, हाउस द जोश, यस हाउस द जोश। फिर सॉरी सर, आप गुस्से मत, नहीं मैं आप गुस्से मत हो सर, आप नजारे देखो, नजारे देखो सर, नजारों में कितना रस है, हर तरफ राइनो और सरस है। यस मेरे दोस्त, यही काजीरंगा है। यहाँ पे नैनो में सपना नहीं, यहाँ पे राइनो में सपना, सपनो में सजना, राइनो पे दिल गयो, राइनो पे दिल गयो। सर मेरा भी ना एक सपना है। जैसे आपने DDLJ में बाहें फैलाई थी तो आपके बाहों में काजोल मैम दौड़ी चली आई थी। आई विश यहाँ भी ऐसा कुछ होता है। आई नो नहीं राइनो, भाग करें, भाग करें, नहीं भाग की भाग।